हेलो दोस्तों, वेलकम टू एमकेपी गुड टिप्स। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा योनो भीम यूपीआई से आप फोन पे में मनी ट्रांसफर कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी आप दबा दीजिए। इससे क्या होगा, जब कभी भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन के द्वारा वीडियो पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, चलिए हम आपको लेके चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे। कर लीजिए, ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पे एम पिन से लॉगिन कर लीजिए। तो चलिए हम दोस्तों यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। तो जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे तो आप होम स्क्रीन पे आ जाएंगे। तो उसके बाद आपको करना क्या पड़ेगा मनी ट्रांसफ़र करने के लिए यूपीआई से, तो यहाँ पे देखिए योनो पे पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप योनो पे पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे भीम यूपीआई का एक ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे आप इसको क्लिक कर सकते हैं। तो इस क्लिक करने के बाद भीम यूपीआई पर तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, कुछ आपको यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिख रहा होगा स्कैन क्यूआर कोड। तो इस वाले ऑप्शन पे आप अगर क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पे आप दोस्तों ये देखिए, अगर आप पेटीएम से जो है आप रुपया भेज रहे हैं तो यहाँ पे आपको क्यूआर कोड जो है स्कैन करना पड़ेगा। ये देखिए मेरा हाथ है, अगर आप उसका फ़ोटो खींच लिए हैं तो गैलरी में गया होगा। तो चलिए हम गैलरी में चलते हैं। तो गैलरी से यहाँ पे देखिए, आप गैलरी से भी उसका क्यूआर कोड ले सकते हैं। और ये अगर आप नहीं लेते हैं तो सिर्फ यूपीआईडी से भी आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पर चलिए दोस्तों, ये है फ़ोटो। तो फ़ोटो हम खींच चुके हैं तो यहाँ पे देखिए स्कैन हो रहा है। तो यहाँ पे स्कैन होने देते हैं। ये देखिए स्कैन होने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे क्यूआर कोड है। ये देखिए नीचे में क्यूआर कोड है अमित कुमार के नाम से। तो ये स्कैन हो गया। तो आप दोस्तों इसी तरीके से पेटीएम में हो गया, इसी तरीके से फ़ोनपे में हम आपको भी बता रहे हैं। ये फ़ोन पे से फ़ोनपे में ही वीडियो आप मनी भेज रहे हैं। तो इसी तरह से गूगल पे में आप बहुत ही आसानी तरीके से मनी भेज सकते हैं योनो भीम यूपीआई से। तो दोस्तों चलिए हम अमाउंट यहाँ पे रख देते हैं। आपको फॉर एग्जांपल के तौर पे 1 रुपया ही हम भेज रहे हैं आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पे 1 रुपया भेज रहे हैं। ये देखिए रिमार्क ऑप्शनल है, आप इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप बैलेंस चेक करना चाहते हैं तो व्यू बैलेंस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका बैलेंस जो है यहाँ पर चेक कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इतना है बैलेंस। उसके बाद यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, देखिए आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलता है। तो यहाँ पे आप अच्छे से एक बार चेक कर लीजिए, उसके बाद पे पे आप क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप पे पे क्लिक कर यूपीआई पिन सेट किए हैं वो यहाँ पर आपको डालना पड़ता है। तो चलिए हम यहाँ पर डाल देते हैं। तो यूपीआई पिन देने के बाद ये देखिए नीचे में सही वाला निशान है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखिए आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा, जो कि देखिए यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेसन आपका ट्रांसफ़र हो चुका है। तो ये देखिए रेफरल नंबर है। उसके बाद यहाँ पे बहुत ही आसानी तरीके से आप यहाँ पे किसी भी पेटीएम में, चाहे वो गूगल पे में हो चाहे वो फ़ोन पे में, आप बहुत ही आसानी तरीके से मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं योनो भीम यूपीआई से। तो दोस्तों चलिए हम बैक करते हैं भीम यूपीआई में। तो देखिए ये होम पेज पे आ चुके हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। और कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।